देखिए हमको तो कुछ बताया नहीं है, हाथ उठा के ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, हम सुनेंगे। बोल दिए हैं, जो भी बोलना है आप बोलिए और ये सब बात होगी, हम लोगों को जानकारी मिलेगी। खाली अपना पब्लिसिटी के लिए बीच में मत खड़ा होइए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। पटना के बापू सभागार में आज सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद थे। नीतीश कुमार का भाषण चल ही रहा था कि बीच से कुछ लोगों ने नीतीश कुमार के लिए आवाज लगाई, जिसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या कुछ था और नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपने गुस्से का इजहार किया, सुनिए। कुछ बताया नहीं है, हाथ उठा के ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, हम सुनेंगे। आप बता दीजिएगा सहकारिता मंत्री को, बोल दिए हैं जो भी बोलना है आप बोलिए और ये सब बात होगी, हम लोगों को जानकारी मिलेगी। खाले अपना पब्लिसिटी के लिए बीच में मत खड़ा होइए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ वही होगा जो आदमी संयम के साथ अपनी बात करता। अभी सुन लिए दो नेता का 20 साल पहले की कहानी, क्या कठिनाई आ रही थी और केंद्र में क्या हम लोगों ने किया, आप चिंता कैसे कर रहे कि राज्य में नहीं। क्या पूछता था जी पैक्स को, आप जरा यहां भाषण दे रहे हो, आप हमारे बिस्कुमान वाले, इनको भी कितनी इज्जत थी, कितनी इज्जत थी, कितना लोगों को अपना अधिकार था, कितना लोगों को स्वायत्तता थी, जरा बताइए। तो कोई स्वायत्तता थी जी, तो अब इतना काम कराए और हम बोल दिए कि अब आप लोगों की और जो इच्छा होगी उसके लिए भी हम सोच करके आगे काम करेंगे। तो जब ये सब बात है तो कहां बीच में कौन सी बीच में बोलते रहते हैं, जो बोलना है बोलिए और नहीं बोलने का मौका मिला तो लिख करके दे दीजिएगा। यह हमारे सहकारिता मंत्री युवा पीढ़ी के हैं, इनको बहुत अवसर है आगे बढ़ने का, तो ये सब काम करेंगे। और हमारे कृषि मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करिएगा।